नमस्कार, अवतार मीडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। आज के इस विशेष कार्यक्रम में मंगलवार को अगर बात करें, हम मंगलवार की बात कर रहे हैं, मंगलवार को झारखंड मंत्रालय का माहौल बिल्कुल बदला बदला सा था। एक तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे तो दूसरी तरफ अबीर गुलाल उड़ रहे थे। सरकारी कर्मियों का उमंग, उत्साह और खुशी चरम पर था। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में पुराने पेंशन योजना को लागू करने की कैबिनेट से मंजूरी मंगलवार को दे दी। सरकार के फैसले को लेकर सरकारी कर्मियों का उमंग, उत्साह और खुशी चरम पर था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देशों से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एम्प्लॉयज फेडरेशन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जोरदार स्वागत किया और आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मियों को पूरे मान सम्मान के साथ बेहतर माहौल में काम करने का मौका मिले। उन्होंने कहा इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस दिशा में उनकी जायज मांगों को पूरा करने की दिशा में लगातार सरकार आगे बढ़ रही है ताकि वे पूरी ऊर्जा के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए राज्य के विकास को गति दे सकें। पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के वक्त अंतिम वेतन की आधी रकम पेंशन के तौर पर निर्धारित की जाती थी। सेवानिवृत्ति के समय पेंशन कर्मचारी की आखिरी वेतन और महंगाई के आंकड़ों के आधार पर पेंशन तय की जाती है। 2004 में एनडीए सरकार ने बंद कराई थी इस पेंशन योजना को। 2004 से पहले तक कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर वेतन की आधी राशि पेंशन के तौर पर दी जाती थी। ये नियम पुरानी पेंशन योजना के तहत ही लागू होते थे। इस योजना में रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद उसके परिवार को भी पेंशन की राशि मिलती थी। 2003 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ओपीएस को बंद करने का फैसला किया और एनपीएस की शुरुआत की। आज झारखंड राज्य के समस्त कर्मचारी माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी और उनके कैबिनेट के सदस्यों का हम लोग आभार व्यक्त करने आए हैं, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना से निजात दिलाते हुए हम लोगों को पुरानी पेंशन जो पूर्व में बहाल थी उसके बाद नई पेंशन योजना आई और उससे बहुत सारी खामियां थी और खामियों को दूर करते हुए मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा पूर्व में हम कर्मचारियों को सौगात प्राप्त हुआ था। आज पुनः उनसे दोबारा हम लोगों को सौगात प्राप्त हुआ है और जो भी पुरानी पेंशन योजना जो लागू हुई है उसमें जो बहुत सारी बातें अस्पष्टता नहीं थी, उसमें जो सेवानिवृत्त हमारे कर्मचारी हैं उनके किस पहल से उनको मिलेगा, कोई नियमावली अस्पष्टता नहीं थी और 2004 की विज्ञापन को भी इस बार की कैबिनेट में सम्मिलित कर लिया गया है पुरानी पेंशन योजना में। इसलिए आज राज्य के सभी कर्मचारी एनपीएस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत जी के नेतृत्व में सारे को आए हैं आभार व्यक्त करने के लिए और हम लोगों उनको उनके साथ कैबिनेट के सभी सदस्यों को हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। मैं निर्मला तारा बाजरे घाट 2022 जनवरी में रिटायर की हूँ मैं और मैं जमशेदपुर स्कूल के राजेंद्र विद्यालय से मैं टीचर थी मैं और जो हम लोग को अभी जो ये पुराना पेंशन जो लागू किया गया है उसे मैं बहुत ही खुश हूँ। हमारे जितने भी हमारे साथीगण हैं उसके मैं ये आभार व्यक्त करती हूँ। जितेंद्र सिंह सर, हम तो आज नौकरी के अंतिम लास्ट में जिंदगी के प्रथम तरी अपना लाठी बुढ़ापा के मिले यही कर सबके आभार हम व्यक्त करें थी सर व्यक्त करने के लिए आए हैं। जी हाँ, उनसे थोड़ी बात मुख्यमंत्री के हमी के सब भाई के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। को लागू करने की कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद भारी संख्या में सरकारी कर्मचारी कैबिनेट पहुंचे मंगलवार को और एक तरह से उत्साह का माहौल देखा गया। एक दूसरे को अबीर लगाते हुए
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को साधुवाद दिया है और जो जिस तरह से राज्य के सरकारी कर्मियों के चेहरे पर उमंग उत्साह और खुशी चरम पर देखने को मिली, निश्चित तौर पे एक तरह से कहा जाए कि सीएम हेमंत सोरेन ने अपना वायदा जो किया था कि पुराने पेंशन योजना को लागू करेंगे, उन्होंने ये वायदा निभा दिया है। पूरे मान सम्मान के साथ बेहतर माहौल में काम करने की बातें सीएम हेमंत सोरेन ने की है। उन्होंने कहा है कि सरकारी कर्मियों के जायज मांगों को पूरा करने की दिशा में सरकार तत्पर है। झारखंड मंत्रालय के बाहर सरकारी कर्मियों ने जमकर अबीर गुलाल उड़ाए। सभी सरकारी कर्मचारियों ने एक दूसरे को अबीर लगाया और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया है। ये ऑफिसर्स टीचर्स एम्प्लॉयज फेडरेशन ने सीएम का स्वागत, जोरदार स्वागत किया और वो स्वागत देखते ही बन रहा था और चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। आपको बता दें कि राज्य में 5 सितंबर 2022 से पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है। पुराने पेंशन योजना को लागू करने की कैबिनेट से जब मंजूरी मिली उसके बाद सरकारी कर्मियों में उत्साह साफ झलक रहा था, साफ देखने को मिला था। और कई सरकारी कर्मियों ने ये भी कहा कि एक तरह से कहा जाए बुढ़ापे का जो सहारा है पुराने पेंशन योजना को लागू करने के बाद, उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में पुराने पेंशन योजना को लागू करने के बाद जिस तरह से एक तरह कहा जाए कैबिनेट में लागू करने के बाद बाहर जो कैबिनेट के बाहर है वहाँ पर माहौल ही बदला सा नजर आया। राज्य के तमाम कर्मी सीएम हेमंत सोरेन का आभार जताने के लिए पहुंचे और वहाँ पर एक तरह से माहौल पूरा होली नुमा रहा और सब एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए नजर आए। हम तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहाँ एक अलग सा ही माहौल देखने को मिला। सबसे बड़ी बात ये भी है कि सरकारी कर्मी ये भी कह रहे हैं कि सीएम हेमंत सोरेन ने जो वायदा किया था वो पूरा किया और उम्मीद ये भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में सीएम हेमंत सोरेन और भी जो वादा किए हैं वो ज़रूर पूरा करेंगे। जिस तरह से ऑफिसर्स टीचर्स एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने सीएम का स्वागत किया, भव्य स्वागत देखने को मिला, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये कहा जाए कि हेमंत सरकार के बढ़ते कदम में एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला रहा कि पुराने पेंशन योजना को लागू करने के बाद सरकारी कर्मियों के चेहरे में खुशी आप भी साफ देख सकते हैं। हमारे साथ रफ्तार मीडिया के संपादक सुनील बादल जुड़ चुके हैं। सुनील जी, जिस तरह से सरकार के फैसले को लेकर सरकार के कर्मियों में उत्साह और उमंग देखा गया, उनके चेहरे पर खुशी साफ देखी जा रही थी और पुराने पेंशन योजना को लागू हुई उसके बाद आभार जताने के लिए वहाँ सरकारी कर्मी पहुँचे। जी अनिल जी, देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा तो बहुत पहले से था ही, जो गैर भाजपा शासित राज्य है जी। उन्होंने लगभग सभी ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया था। आपको याद होगा कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान पुरानी पेंशन स्कीम को एक बड़ा मुद्दा बनाया था और जब सत्ता में आई जी। तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का उन्होंने ऐलान भी किया। उसी तरह से यहाँ की जो हेमंत सोरेन सरकार है इस बात को समझ रही है कि जब कोई कर्मचारी अर्ध सरकारी सरकारी, अभी उन्होंने कल जो कैबिनेट का फैसला किया उसमें सभी को उन्होंने शामिल कर लिया, यहाँ तक कि कॉलेज वगैरह के जो कर्मी है वो भी पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल हो गए हैं जी। तो इसमें होता क्या है कि जब लंबी सेवा अवधि के बाद कोई रिटायर करता है तो अचानक से उसकी आमदनी जो है, अगर पेंशन स्कीम नहीं होगी तो उसको एक बड़ी राशि दे दी जाएगी और अचानक से आमदनी बंद जी। जिसको एक बड़ी राशि या जो भी राशि उसकी आमदनी उसके खर्च के अनुपात के हिसाब से बनी हुई है उसमें जीने की आदत बन जाएगी और अचानक वो समाप्त हो जाए जी। तो कर्मचारी किसी स्तर का हो, निचले स्तर से लेकर सर्वोच्च स्तर तक का, उसको एक झटका सा लगता है कि अब क्या होगा, कैसे खर्च चलेगा। बहुत सारी और भी उसमें चीजें रहती हैं, जैसे भारत सरकार की पुरानी जो पेंशन स्कीम है उसके साथ स्वास्थ्य सुविधाएं और पूरे परिवार का जो भरण पोषण के लिए पेंशन, जो पारिवारिक पेंशन बोलते हैं, वो योजना उसमें लगी हुई है जी। अब
इसको लागू नहीं करने और करने के पीछे की बात भी थोड़ी सी समझ लीजिए कि जितने वर्तमान कर्मी हैं उससे बहुत बड़ी संख्या में जी पेंशनधारी आज के दिन भारत में है, चूंकि स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी अच्छी हो गई है। तो इसे केंद्र सरकार पीछे जो हटने लगी उसका कारण ये था कि बहुत बड़ी राशि पेंशन में खर्च हो रही थी, और चूंकि भारत को एक दूसरा सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश बनाना है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एनपीएस यानी नई जो पेंशन योजना है वो विश्व स्तर पर इसी तरह की बातें चलती है। आप कॉरपोरेट में जाएंगे तो वो पेंशन नहीं देते जी। जो रिटायर करता है उसको एक बार पैसा दे देते हैं और उसके बाद अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो पारंपरिक पेंशन योजना है उससे पूरे परिवार की सुरक्षा जुड़ी हुई रहती है, और आड़े वक्त में जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसको बहुत सहायता की जरूरत होती है। तो इस लिहाज से आर्थिक बोझ बढ़ने पर भी जो वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार है उसने जो एक बड़ा फैसला किया ये निश्चित रूप से कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसीलिए अबीर गुलाल की जो आप चर्चा कर रहे थे तो वो खुशी का माहौल तो पूरे राज्य में राज्य कर्मियों के बीच में है ही, लेकिन इसका एक पक्ष ये भी होता है कि जो बहुत बड़ी राशि खर्च होती है, योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने कुछ दिन पहले कहा था कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करना वित्तीय दिवालियापन की रेसिपी है, इसलिए कि वो केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे थे जी। लेकिन इसका दबाव आप इस बात से महसूस कीजिए कि ये पुरानी पेंशन योजना इतनी लाभकारी है और कर्मचारियों के हित में है जी जी कि भारत सरकार को भी ये निर्णय करना पड़ा कि हम इसकी समीक्षा करेंगे और उसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। तो देर सवेर हो सकता है चुनाव के पहले इसकी घोषणा भी हो जाए कि पुरानी पेंशन स्कीम जो है केंद्र सरकार भी करेगी। तो इस तरह से जो राज्य सरकार ने एक फैसला किया है एक बहुत ही दूरगामी और बहुत ही नेक नियती से किया गया फैसला है। अगर राज्य कर्मियों की इसकी बात करें जी। जो बुजुर्ग रिटायर करेंगे वो आशीर्वाद दुआ और शुभकामनाएं सरकार को देते रहेंगे जी। सुनील जी देखिए 2024 की बात करें तो 2024 में लोकसभा चुनाव है, 2024 में विधानसभा चुनाव है, क्या ये चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं, राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई, लोग चर्चा कर रहे हैं कि सीएम हेमंत सोरेन ने एक मास्टर स्ट्रोक कहा जाए इसे, वायदे के अनुसार तो किया, मास्टर स्ट्रोक जो है वो सीधे सीधे खेल चुके हैं यहाँ पर। बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल आपने किया, मास्टर स्ट्रोक उन्होंने खेला है। और भी कुछ योजनाएं जो जन हितकारी है वो योजनाएं जो लेकर मुख्यमंत्री अभी लगातार घोषणाएं कर रहे हैं और कुछ लागू भी हो रही है, तो उन योजनाओं से और घोषणाओं से एक चुनावी माहौल अभी से बनना शुरू हो गया है। किसानों के लिए हो तो किसानों के बीच खुशी है, राज्य जो कर्मचारी है उनकी बहुत बड़ी संख्या है और चुनाव के समय वही ड्यूटी पर रहते हैं तो उनका भी सहयोग बहुत आवश्यक होता है, वो दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, हालांकि निष्पक्षता की बात है वो नियम से ही करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि दूर दराज के क्षेत्रों में इस तरह से कहा जाता है जी। कि अगर राज्य के कर्मचारी किसी सरकार को हराने पर उतारू हो जाए तो उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन अगर राज्य सरकार के कर्मचारी खुश हैं तो चुनाव में भी इसका एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। साथ साथ में आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एक माहौल जो है बनाने का काम अभी हेमंत सोरेन कर रहे हैं, और ये उनके जो भी सलाहकार हैं या जो भी उनके शुभचिंतक हैं जो भी उनको सलाह देते रहते हैं तो वो एक बात उनको अच्छी तरह से समझा के उन्होंने रखा है कि लंबी रेस का जो घोड़ा होता है वो किस तरह से दौड़ता है। आप देख रहे हैं कि उन्होंने 5 साल का जो कार्यकाल है उसमें से लगभग 4 साल पूरे हो चुके हैं, अगले साल 5 साल पूरा हो जाएगा जी। तो ये लंबी रेस में जाने वाले जो लोग होते हैं वो लोक कल्याणकारी और जो जनता है उसके साथ साथ अपने जो सरकारी कर्मचारी हैं
उनके हितों की भी बात करते हैं और इस स्तर पर करते हैं कि आगे चलकर जो है ये सारे लोग हमारे साथ खड़े हों, हमको मदद करें। इस ख्याल पे जी। एक बहुत ही सोचा समझा ये निर्णय है और जो नीतियां बना रहे हैं वो बहुत ही दूरगामी प्रभाव उसका पड़ेगा। और रही बात इनकी जो विरोधी है, जो चुनाव में अगले वर्ष भाजपा जो है, तो भाजपा जो है इसका क्या काट लाती है और इन सब जो योजनाओं का जो लाभ लोगों को मिलेगा उसका क्या काट लाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। तो इस लिहाज से मुख्यमंत्री एक लंबी रेस खेलने की तैयारी में लगे हैं और लगातार तेजी से बैटिंग कर रहे हैं, हम ये कहेंगे। जी सुनील जी, सुनील जी, जिस तरह से पुरानी पेंशन योजना को लागू किया गया और सीएम ने ये भी कहा है कि आप बेहतर माहौल में काम करें और सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, आपके साथ है, और एक बात का उन्होंने जिक्र किया कि जायज मांगों को भी पूरा करने की दिशा में सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। देखिए कई ऐसे मांग भी हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उनकी मांगों को भी सीएम हेमंत सोरेन पूरा करेंगे या फिर अभी देखिए समय भी कम बचा है। जी देखिए, जब उन्होंने घोषणाएं की है तो उसको जरूर पूरा करना चाहेंगे और जो भी उन्होंने कहा है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन समय थोड़ा कम बचा है क्योंकि अगले साल चुनाव है और अभी सारी योजनाओं को लागू करने में जी। जो नई पेंशन स्कीम से जुड़ गए उनको फिर से पुरानी पेंशन स्कीम में जाने में कुछ तकनीकी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए अभी उनको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, थोड़ी उसमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। हालांकि कल उसकी चर्चा जो कल कैबिनेट में उसका निर्णय हुआ उसमें थोड़ी सी चर्चा है, तो सरकार उस पर विचार कर रही है, लेकिन नई कोई बात जब होती है जिसको लागू किया जाता है तो उसमें उसको विचार करने में, उसको कार्यान्वित करने में, उसको धरातल पर उतारने में समय लगता है, लगेगा जी। तो कितना कर पाएंगे ये अभी देखने की बात है, क्योंकि अभी इनके पास में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन चूंकि करना चाहते हैं, युवा हैं तो कर भी सकते हैं। जी जी, चलिए तमाम बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ रफ्तार मीडिया के संपादक सुनील बादल जुड़े, जिन्होंने तमाम बातचीत की। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से योजनाएं जो हैं लागू हो रही हैं और योजनाएं बन रही हैं, समय भी कम बचा है, लेकिन सरकार पूरी तरह से तत्पर है। सीएम हेमंत सोरेन लगातार इस विषय पर काम कर रहे हैं। देखिए, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में पुराने पेंशन योजना को लागू करने की कैबिनेट से मंजूरी मंगलवार को दे दी। सरकार के फैसले को लेकर सरकारी कर्मचारियों में उमंग और उत्साह साफ देखा गया। 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी है, सीएम हेमंत सोरेन ने मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है। चुनाव में इसका कितना फायदा होता है ये तो वक्त पर छोड़ दीजिए। देखते रहिए रफ्तार मीडिया। नमस्कार।